विदिशा जिले के गंजबासोदा विधानसभा में जहां एक ओर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री गंजबासोदा आए थे और विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हुए जनता को संबोधित किया था। विकास के वादों की पोल खोलती एक तस्वीर शहर के नजदीक ही चंद कदम की दूरी पर ग्राम पंचायत हरदुखेड़ी की बस्ती देखने को मिली, जहाँ मीडिया कर्मियों की टीम पहुंची तो देखा कि हालत बद से बदतर है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ना सड़क है, ना बिजली, ना पानी। जनता हैरान परेशान है, यहाँ तक कि सरपंच भी जनता के साथ है, पर सरपंच की भी ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। यह कौन सा लोकतंत्र है? जिस जनता को मूलभूत सुविधाएं ही नसीब ना हो तो क्या वह सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुई है? जहाँ भाजपा कहती है कि हमने विकास किया है, तो यह हरदुखेड़ी ग्राम जहाँ आप खुद स्वयं देखें विकास कितना हुआ है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। बड़ी है और अभी हमने जो जगह हमने टंकी कैसे दिलाई है मालूम नहीं। ये पूरा कब्जा था, सरकारी जमीन 4 बीघा थी। हमने ऊपर लड़के आवेदन देकर और ये पूरा मुक्त कराया 2.5 बीघा। इसमें हम ये क्या नाम से हमारी काली पठार वासियों का ये क्या नाम से मंगल भवन भी बनवाना चाहते हैं, आंगनबाड़ी तुम्हारी बनी रही है, एक प्राथमिक स्कूल भी लाना चाहते हैं। क्यों? हम तो ये चाहते हैं कि ये नई दिल्ली नाम नई दिल्ली है, पूरा नई दिल्ली जैसा यहाँ बस्ती भी तो देखे। और पूरे में लाइटिंग के लिए हमने प्रोजेक्ट 100 लाइटों के लिए भेजा है 7.5 लाख रुपए का। कितनी आबादी होगी लगभग यहाँ की? आबादी चूंकि लगभग बता रहा हूँ 2 से 2.5 हजार लोग रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं उनके परिचय पत्र गांव के यहाँ रहते हैं। उनसे ही मैंने अपील की है कि सब अपने परिचय पत्र बनवा लें यहाँ के। बहुत जल्द हम है ना चुनाव के पहले सभी लोगों के साथ लेके सबको हम घर घर एक एक पट्टा दिलवाएंगे 25x40। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।